ब्लॉग बना रहे हैं ना इधर भी। हे गाइस चैनल टू माय वेलकम, हे चैनल टू माय गाइस, गाइस टू माय वेलकम, गाइस सरप्राइज लाइक कमेंट शेयर फॉलो गाइस, चैनल को घंटी सिलेंडर कर दो गाइस, घंटी ला देना हो। अच्छा सो गाइस अभी हम चल रहे हैं ओमना मंदिर, जो कि जोधपुर से लगभग 50-55 किलोमीटर है और जोधपुर से पाली हाईवे पे NH-62 पे है। तो अभी हम चल रहे हैं ओमना धाम, तो हमने ज़्यादा दूर नहीं था तो इसलिए हमने बाइक का सफ़र लिया है, तो अभी हम बाइक से जा रहे हैं। तो गाइस जब भी आप हाईवे पे चलें तो धीरे चलें, ज़्यादा तेज़ नहीं चलाएँगे। अगर आप तेज़ भी चलाएँगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का ही फ़र्क आता है, तो इसलिए आप गाड़ी को 100 या 120 ही चलाएं, इससे ज़्यादा नहीं चलाएं, इससे ज़्यादा में आपका ही नुकसान है। अबे 100-120 तो भी बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत तेज हो गई, बहुत तेज चलाओ फिर। जब कंपनी ने स्पीड दी है तो फिर उसके पूरे मजे लो, चलाओ तो बताओ फिर, जान दे जान दे जान दे। गाइस देख सकते हैं मैप पे बता रहा है कि यहाँ पे आप कुछ जिस जगह से गुजर रहे हैं वहाँ पे नदी है, और यहाँ देखिए नदी बोल के नाला दिखाया जा रहा है हमको, कितना बेवकूफ़ बनाते हैं मैप वाले भी, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। तो गाइस अभी हम रोहट पहुँच गए हैं, यहाँ से ओमनासा मंदिर 10 किलोमीटर है, तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आप ये गाँव का नज़ारा देख सकते हैं, गाँव के बीचों बीच एकदम हाईवे निकल रहा है। तो गाइस अभी हम गांव पूरा पार कर चुके हैं और अभी शाम का टाइम हो रखा है, धूप भी कम हो गई है एकदम। और अभी आप देख सकते हैं अभी NH-62 पे चल रहे हैं, जो जोधपुर से अहमदाबाद जाता है, तो इसमें इसी हाईवे पे बीच में ओमनासा मंदिर है जो जोधपुर से लगभग 50-55 किलोमीटर है। और अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं और अभी हम 10-15 मिनट में पहुंचने वाले हैं, तो मिलते हैं आपसे मंदिर पे जाके। तो गाइस अभी हम मंदिर से सिर्फ 400-500 मीटर दूर हैं और अभी हम जस्ट पहुंचने वाले ही हैं मंदिर, तो अभी हम मंदिर जाके देखते हैं, गाड़ी पार्किंग करते हैं। तो यहाँ पे एक कट है, तो हम गाड़ी को साइड में लेते हैं। देख सकते हैं तीन अभी प्रसाद ले रहा है और यहाँ पे चारों तरफ दुकानें ही दुकानें हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं, देख सकते हैं कहाँ तक है, देखो गाड़ी ही गाड़ियाँ खड़ी है, बहुत भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। तीन अभी प्रसाद ले रहा है। तो गाइस प्रसाद तो हमने ले लिया है, अब चलते हैं। तो गाइस यही वो स्थान है जहाँ पे ओमनासा का एक्सीडेंट हुआ था, आज इस स्थान को सुरक्षित रखा गया है। एक बार ओमनासा पाली की तरफ से आ रहे थे गाँव, तो इसी जगह इसी पेड़ से उनकी बुलेट टकरा के और खाई के अंदर गिर गई थी, और उसी टाइम उनका देवलोक गमन हो गया था। तो देख सकते हैं लोग यहाँ पे अपनी मन्नत के धागे बांधते हैं, और अभी कुछ श्रद्धालु आपको धागे बांधते हुए दिख भी गए होंगे। देख सकते हैं ये ओमना के मंदिर का सामने का व्यू है, यहाँ पर पहले एक छोटा सा थान हुआ करता था ओमना का, जिसके बाद में श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर का स्वरूप दे दिया गया है। यहाँ पर ओमना से की बुलेट की पूजा की जाती है, यहाँ पर हर रोज़ हजारों श्रद्धालु आते रहते हैं ओमना के दरबार। चलिए गाइज हम भी चलते हैं, थान पर तो बहुत भीड़ लगी हुई है, दिन जा रहा है अभी प्रसाद चढ़ाने के लिए। ये देख सकते हैं यहाँ
पर ओम मन्ना की प्रतिमा लगी हुई है और अखंड जोत जल रही है। ये बताया जाता है कि मतलब जब से ओम मन्ना का ये स्थान बना हुआ है तब से अखंड जोत जल रही है। यहाँ पे लोग मन्नत मांगने के लिए आते रहते हैं। हमने भी लास्ट टाइम यहाँ पे एक मन्नत मांगी थी जो हमारी पूरी हुई है, तो अब हम यहाँ पे आए हैं। तो ओम मन्ना के यहाँ पे मतलब शराब भी चढ़ाई जाती है, हम भी ओम मन्ना को शराब का भोग लगाते हैं। गाइस देख सकते हैं ये वही बुलेट है जिससे ओम मन्ना सा का एक्सीडेंट हुआ था और जिसकी यहाँ पे आज पूजा की जाती है। यहाँ पे देखो बाइक के टायर पे ना मन्नत के धागे बांधते हैं, इसकी पूजा की जाती है। और बताया जाता है कि यहाँ पे एक्सीडेंट के बाद बुलेट को पास के थाने में ले जाया गया था, लेकिन बाइक रात को गायब हो जाती थी और सुबह एक्सीडेंट वाले स्थान पर मिलती थी। ऐसा यहाँ पे दो तीन बार हुआ था तो स्थानीय लोगों ने इसको चमत्कार का नाम दे दिया, फिर ओम मन्ना को देवी शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं बुलेट की स्थापित कर दी गई और ये लोगों का आज भी आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ के लोग खूब लोग आते रहते हैं, भारी संख्या में भीड़ रहती है। गाइस हम निकल चुके हैं घर की तरफ, अभी अंधेरा होने वाला ही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।